हेलो डियर स्टूडेंट, अभी तक तुम लोगों को हमारा ये हॉर्टिकल्चर लाइव चैनल में बहुत सारा हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन और प्रोबेबल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया, उसका आंसर के बारे में भी डिस्कस किया। नाउ आज मैं तुम लोगों को पहले बार आईसीएआर वेजिटेबल नेम जो 2023 में हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इज द फैमिली ऑफ रूबर्ब। द आंसर इज पॉलीगोनेसी। Now, we should know some brief information of different plants belongs to the family Polygonaceae. Polygonaceae family में दो major vegetables होता है। एक है rhubarb, जिसका scientific name है Rhuvum hybridum, और एक leafy vegetables होता है जिसका scientific नाम Rumex acetosa, that is sorrel. ये दोनों vegetables का leaves में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सालिक एसिड होता है। सो इफ यू टेक हाई अमाउंट ऑफ लीफी वेजिटेबल, दिस लीफी वेजिटेबल, दे मे फॉर्म किडनी स्टोन। दैट्स व्हाई ये ऑक्सालिक एसिड को क्या बोलते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक कंपाउंड। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको याद रखना चाहिए, जो रूबार्ब का जो पेटियोल है ये मेजर एडिबल पार्ट है प्लांट्स का, लीव्स नहीं। इसका पेटियोल, सोलेन पेटियोल इज ए कमर्शियल एडिबल पार्ट। और एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये पॉलीगोनेसी फैमिली का, वो है सी ग्रेप्स, जो यूरोप में पाया जाता है। इसका फ्रूट से जैम भी बनते हैं, बहुत सारा इसका यूज है। और एक इंपॉर्टेंट स्यूडो सीरियल है ये पॉलीगोनेसी फैमिली के, जो हमारा इंडियन कल्चर के साथ जिसको बहुत लगाव है। भी कुछ दिन बाद हमारा नवरात्र आने वाला है, हम नवरात्र में क्या खाते हैं, जो नॉन पोएसी फैमिली का क्रॉप्स है, क्योंकि ये सीरियल्स जो है प्योर सीरियल्स बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी, तो हम पोएसी का सीरियल्स नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं नॉन पोएसी। और उसमें एक कुट्टू का आटा यूज होता है, कुट्टू क्या होता है, बकव्हीट। और बकव्हीट का फैमिली क्या है, पॉलीगोनेसी। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट रिमेम्बर, दिस जो बकव्हीट इज रिच इन रूटीन, जिसको एक फ्लेवोनॉइड कंपाउंड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इज द क्रोमोजोम नंबर ऑफ ओरिएंटल पिकलिंग मेलन। तो फर्स्ट हम लोग को एक चीज याद रखना चाहिए, जितना मेलन है मोस्ट ऑफ द मेलॉन्स जेनस होता है कुकुमिस और मेलो, एंड उसका डिफरेंट बोटानिकल वैरायटी है। तो कुकुमिस में जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो है कुकुमिस सैटिवस, एक अलग स्पीसीज है, एक है कुकुमिस मेलो। नाउ कुकुमिस मेलो का आपको बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है 12, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 12, सो इट्स का जो 2n is equal to 2x, that is 24. लेकिन जो cucumis sativus होता है उसका basic chromosome number is 7, and that's why 2n is equal to 2x is equal to 14. So you must remember what is the different melon, particularly if this melon belongs to the genus cucumis, then the answers would be 2n is equal to 24. और कौन सा मेलन होता है, एक हम जानते हैं वॉक्स मेलन, वॉक्स गोड, दैट इज डिफरेंट बेनिकसा हिस्पिडा, एंड अनदर इज वाटर मेलन, दैट इज डिफरेंट सिटुलस। सो फॉर कुकुमिस जेनस, कुकुमिस मेलो स्पीसीज, देयर इज वेरियस सब स्पीसीज, एंड फॉर देम द क्रोमोसोम नंबर शुड बी 2n इज इक्वल टू 24. Next question was there, which among the following is the member of monocotyledonaceae. Now you must remember there is a distinct two quad category of crop plants, that is monocot and dicot. Now monocot means monocotyledon, they are only one, that seed contain one cotyledon, and this from the monocotyledonaceae family. Till now in vegetables five family we observe, one is amaryllidaceae,
जिसके अंदर में आपको ऑनियन, गार्लिक, सैलोट, चीव्स, बहुत सारा ऑनियन रिलेटेड स्पीसीज रहता है। सेकेंड इज एस्पराजेसी, जिसमें एस्पराजस मेन एडिबल पार्ट वेजिटेबल्स है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मेनी टाइम्स दे पूछता है जी एस्परस का एडिबल पार्ट क्या है। आंसर इज स्पियर, रिमेम्बर दिस। एंड थर्ड इज एरेसी। एरेसी में क्या आता है? एरेसी में जो आपको ये जो सुरन अड़ुई जो बाजार में मिलता है, ओल मिलता है, ऑल दिस बिलोंग्स टू द एरेसी फैमिली। सो दैट कोलोकेशिया, एलोकेशिया एंड दैट एलिफेंट फुटियम, ऑल दिस बिलोंग्स टू द फैमिली एरेसी। एंड वन ऑफ द ग्रामिनी क्रॉप्स व्हिच समटाइम्स वी यूज एज ए वेजिटेबल्स, दैट इज स्वीट कॉर्न, यू कैन हियर। एंड अनदर इम्पोर्टेंट फैमिली इज डायोस्कोरिएसी। डायोस्कोरिएसी का जो हम लोग हिंदी में आलू पेड़, जो जंगली आलू बोलते हैं, खमालू बोलते हैं बंगाली में। एंड कभी कभी इसको जो अभी छठ पूजा आने वाला है, जिसमें एक छोटा सुथनी बोल के क्रॉप मिलते हैं, वो भी डायस्कोरिया है। सो ये जो पांच बेसिक बेस पांच इंपॉर्टेंट आपको वेजिटेबल्स फैमिली होता है जो मोनोकोटिलेडोन से बिलोंग्स करते हैं। आई थिंक यू रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, वो है वेजिटेबल्स कम्स अंडर व्हिच अमंग द फॉलोइंग। हियर आंसर इज एंजियोस्पर्म। अभी हम लोग इसको डिटेल समझते हैं। द प्लांट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज नॉन वास्कुलर प्लांट्स, जैसे मॉस, एल्गी। तो आप जानते हैं कोई वेजिटेबल्स मॉस, एल्गी से नहीं आते हैं। सो जनरली वेजिटेबल्स वास्कुलर प्लांट से आते हैं। नाउ वास्कुलर प्लांट्स दोनों बार ग्रुप में डिवाइड होता है, एक सीडलेस प्लांट्स जिसमें फर्न्स आते हैं और एक प्लांट्स विद सीड्स। अभी वेरी इंटरेस्टिंग चीज, सम वेजिटेबल्स आर देयर जो बिलोंग्स टू फर्न्स। मैं एक लिंक में आपको एक एडिबल फर्न का वीडियो हम शेयर करेंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा जो दिस एडिबल फर्न आल्सो यूज्ड एज ए लीफी वेजिटेबल्स। बट जनरली प्लांट्स विद सीड्स जनरली यूज्ड एज वेजिटेबल्स, एंड दैट्स व्हाई वेजिटेबल्स हैव वेरी गुड स्कोप इन सीड इंडस्ट्री। नाउ सीड्स से दो ग्रुप है, वन इज जिम्नोस्पर्म, अनदर इज एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में पाइन्स आते हैं, तो हम जिम्नोस्पर्म में एक फ्रूट्स होता है जनरली, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कोई जिम्नोस्पर्म वेजिटेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स बिलोंग्स टू एंजियोस्पर्म, और उसमें जो मोनोकॉट वेजिटेबल्स होते हैं कुछ डाइकॉट। अभी कुछ देर पहले तुमको मोनोकॉट वेजिटेबल्स के बारे में बताया। अभी डाइकॉट तुम जानते हो, ब्रिंजल होता है, दैट ब्रासिका स्पीसीज का बहुत सारा वेजिटेबल्स आता है। नाउ मैच द फॉलोइंग। यहाँ क्या था, चार याम का नाम दिया था, उसके साथ साइंटिफिक नेम के साथ मैच करना था। तो ग्रेटर याम, जो ग्रेटर याम इसका साइंटिफिक नेम है डायोस्कोरिया एलाटा। व्हाइट याम का साइंटिफिक नेम है डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा। और पैसिफिक याम, यहाँ एक फोटो में देखिए, जो मेलानेशिया ने इतना लंबा लंबा ये स्पीसीज है, इसका साइंटिफिक नेम है नोमुलरिया, ये पैसिफिक याम है। और एक याम बीन जो पैचिराइजस सिरोसस, वो बेसिकली एक लेगुमिनस क्रॉप्स है जो हमारे इंडिया में सरस्वती पूजा के टाइम जनरली यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ रैटल रेडिस। यहाँ आंसर होगा रैफिनस सैटिवस भर कोडाटाश। नाउ इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, ये रैटल रेडिस है क्या। एक्चुअली इसका रूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉड है, और ये साउथ ईस्ट एशिया, पर्टिकुलरली म्यांमार की कुछ एरिया में कुछ लोग एक स्पेशल सिलेक्शन प्रोसेस से बनाया, जिसमें इसका जो सिलिक हुआ है, क्योंकि ये ब्रैसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिक हुआ। तो सिलिक हुआ लंबा लंबा पॉड की तरह होता है और नरम होता है, तो ये पॉड को खाया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कुसीन में इसको यूज करते हैं। तो दिस इज बेसिकली ए रेडिस, जो बोटानिकल एक वेराइटी है कोडाटस, और इसका रूट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द स्टोरेज पीरियड ऑफ ऑनियन सीड। नाउ ऑनियन सीड
एकदम एक्यूरेट आंसर इज 1 ईयर। 1 ईयर के बाद इसका सीड का वायबिलिटी खत्म हो जाता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रिलेटेड टू टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। टोमेटो लीफ कर्ल वायरस एक हैवोक डिजीज है हमारा इंडियन कंडीशन में और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम करता है, थ्रेट है टोमेटो कल्टीवेशन में। तो इसको बचाने के लिए डिफरेंट रेजिस्टेंस जीन को आइडेंटिफाई करके हम लोग ब्रीडिंग करके टोमेटो का जो क्रोमोजोम है उसके अंदर हम लोग डालते हैं। नाउ क्वेश्चन था जो TY4 ये कौन सा क्रोमोजोम नंबर में है रहता है। एक्चुअली जो TY4 है ये टोमेटो के एक स्पीसीज था सोलानम चाइलेंस, वहां से ये मिला है और ये क्रोमोजोम नंबर 3 में रहता है। So, और ये छोड़ के जो और जो 6 रेजिस्टेंस जीन है T1, TY1, TY2 इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से लिया गया है ये लोग देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लो जो TY2 जीन कहाँ से मिला है, तो इज रेजिस्टेंस सोर्स इज हेब्रोचाइटिस और इसका क्रोमोसोम नंबर इज 11। सो एक ये चीज याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो अर्को अभेद रेजिस्टेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अभी इसमें देखो क्या क्या था, जो पहले तुम लोगों को बताया जो TY2 TY3 ये दो जीन को इसमें इंक्लूड कर गया है फॉर टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज। ये छोड़ के बैक्टीरियल विल्ट भी रेजिस्टेंस है, अर्ली ब्लाइट रेजिस्टेंस है और लेट ब्लाइट रेजिस्टेंस है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। और ये अभेद जो अर्को अभेद, अर्को तुम लोग जानते हो अर्को किसका नाम है, इस इज द ट्रेडमार्क ऑफ IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, वायर इट इज सिचुएटेड हिसारघाटा बंगलोर। सो द अर्को अभेद वेराइटी ऑफ टोमेटो विच है मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन इन साइड इट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑर्को रक्षक्स एंड ऑर्को सम्राट आर रेजिस्टेंस टू व्हिच ऑफ द डिजीजेस। द आंसर इज अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट और टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। तुम लोग देख सकते हो यहाँ दोनों क्रॉप्स कितना बढ़िया है, पूरा प्लांट मतलब भरे है एकदम फ्रूट से और दे आर वेरी रेजिस्टेंस टू डिफरेंट डिजीज कॉम्प्लेक्स। एंड तुम लोग जानते हो ऑर्को इज ए ट्रेडमार्क ऑफ IIHR, सो IIHR से दोनों हाइब्रिड रिलीज हुआ था। और इसी के साथ मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं कोशिश की हूँ पहले 10 क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों के साथ डिस्कस करने, इससे यही 10 क्वेश्चन है, इसके साथ एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन भी तुम्हारे साथ डिस्कस किया, जैसे जो इन फ्यूचर तुम्हारा दूसरा एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो कैसे लगा आज का ये प्रेजेंटेशन, आज का ये क्वेश्चन आंसर डिस्कशन? अगर अच्छा लगेगा तो जरूर ये वीडियो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर करना, क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, जो चीज शेयर करोगे उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। और अगर अभी तक तुम ये चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर ये चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।